नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 Pro वर्सेस Infinix Note 11s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 Pro में 6.32 इंच जबकि Note 11s में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 Pro में 2.91 इंच जबकि Note 11s में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 Pro में 0.32 इंच जबकि Note 11s में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 8 Pro से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 Pro में 176 ग्राम जबकि Note 11s में 212.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 8 Pro से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8 Pro में Super AMOLED जबकि Note 11s में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Realme 8 Pro में 20:9 जबकि Note 11s में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 Pro में 6.4 इंचेस जबकि Note 11s में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 8 Pro में 1080x2400 और Note 11s में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 Pro में 83.32% जबकि Note 11s में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 Pro में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 11s में 387 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और नोट 11s की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 11s की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Note 11s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8 Pro में Adreno 618 जबकि Note 11s में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G और Note 11s में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8 Pro में अप टू 256GB जबकि Note 11s में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme 8 Pro में 4500mAh जबकि Note 11s में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 8 Pro में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 11S की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 8 Pro आगे है, मेन कैमरा में Realme 8 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 8 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Realme 7 Pro है, तीसरा Realme Nazo 30 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।